ससुराल में बहू की तकलीफ समझने वाला शायद कोई नहीं होता। अरे बहू, आज खाना नहीं बनेगा क्या, जो अभी तक आराम फरमा रही हो? समय देखा कि नहीं, गौरव और पापा का दुकान से आने का समय हो गया है। मिथिलेश की एकदम से कड़क आवाज़ सुनाई पड़ी। अंकिता के आज सुबह से ही कमर और पेट में कुछ मीठा मीठा दर्द हो रहा था। सातवां महीना चल रहा था, प्रेगनेंसी का समय बढ़ने के कारण वैसे भी समस्या हो ही जाती है, लेकिन आज जब थोड़ा ज़्यादा दर्द एहसास हुआ तो दोपहर का खाना निपटा कर लेटी तो उसके बाद तो जैसे उठने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन तभी नन्हे फरिश्ते ने पेट में ही ऐसी करवट बदली कि उसका हाथ अपने पेट पर पहुंच गया और उसने पास में ही रखी सोनोग्राफी की रिपोर्ट उठाए और नन्हे फरिश्ते से मन ही मन बातें करके मुस्कुराने लगी। और अभी वो इस एहसास को पूरी तरह एंजॉय भी नहीं कर पाई थी कि तभी सासू माँ की कड़क आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हो गई। आ रही हूँ मम्मी जी, अंकिता ने बिल्कुल भी मन ना होते हुए हाथों से कमर का सहारा देते हुए जबरदस्ती उठने की कोशिश की और रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। मिथिलेश और ननद रानी गरिमा ड्राइंग रूम में बैठी बैठी टीवी पर कोई मूवी देख रही थी। उन दोनों को तो कोई मतलब ही नहीं था अंकिता की किसी भी परेशानी से। बहू, अभी हम लोगों ने चाय भी नहीं पी है, जल्दी सी बनाकर दे जाओ आकर। वहीं बैठे बैठे मिथिलेश ने हुक्म सुना दिया। जी मम्मी जी, अंकिता का मन कर रहा था कि सारे काम छोड़कर वहीं बैठकर रोने लगे कि इतनी देर हो गई, बहू को तो एक कप चाय पूछने को छोड़ ही दो, खुद भी चाय बनाकर नहीं पी पाई, वो भी बहू ही बनाए, थोड़ी ज़्यादा ही बना लेना क्योंकि अब तो गौरव और पापा भी आ ही रहे होंगे। उन दोनों को अंदर उठकर आना ही नहीं होता था। जब से अंकिता इस घर में आई थी वो लोग सिर्फ बैठे बैठे हुक्म ही चलाती, ननद तरह तरह की फरमाइशें करती और सास रानी हुक्म सुना देती और अंकिता बेचारी मरती क्या न करती। उसको तो मन मार कर भी सब कुछ करना ही पड़ता, लेकिन आजकल थोड़ा परेशान हो जाती। अंकिता चाय बनाकर उन दोनों को दे आई और गौरव और पापा के लिए कैटल में डाल दी। खुद तो बिल्कुल मन भी नहीं किया चाय पीने का, तभी गौरव और पापा दुकान से वापस आ गए। बहू, पापा आ गए, पानी दे जाओ आकर। फिर सासू माँ का फरमान सुनाई पड़ा, जबकि ननद रानी वहीं पास में बैठी मूवी में मशगूल थी। और जैसे ही अंकिता पानी लेकर बाहर पहुंची, उसके एक कदम से चक्कर आ गया। यह तो कहो, अलमारी पास में ही थी तो उसकी टेक लेकर खड़ी हो गई। क्या हुआ अंकिता, एकदम से गौरव हड़बड़ाते हुए उठा। गौरव एकदम से चक्कर आ गया, गौरव उसका हाथ पकड़कर अंदर उसके बेडरूम में ले गया। अंकिता, कुछ परेशान ज़्यादा लग रही हो। हाँ गौरव, आज तुमने बताया क्यों नहीं, मम्मी जी से कहा तो सुबह से ही पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है, उन्होंने यही कहा कि प्रेगनेंसी में तो यही सब लगता ही रहता है और जितना समय करीब आएगा उतनी ही परेशानियां बढ़ेगी, लेकिन तुमने मुझको क्यों नहीं बताया? गौरव, ससुराल में बहू की तकलीफ समझने वाला शायद कोई नहीं होता, मेरे इतना दर्द था फिर भी मम्मी जी और गरिमा ने ना तो चाय ही बना कर पी और ना ही खाने के बारे में सोचा, बल्कि मुझको ही आवाज़ देकर बुलाया। गौरव, मन ना होते हुए भी मुझको जबरदस्ती उठना पड़ा। अंकिता के गालों पर गरम गरम आंसू की धार बहने लगी। अंकिता, तुम परेशान ना हो, ये बताओ कि तुमने कुछ खाया पिया? नहीं, मन ही नहीं हुआ। अंकिता की आंखें अभी भी छलक ही रही थी कि एक बार फिर सास ननद ने उससे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं पूछा। क्यों, इस हालत में भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं कल ही खाना बनाने वाली का इंतजाम करता हूँ क्योंकि मैं तुमको इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। गौरव अंकिता को लेकर एकदम से परेशान हो उठा। लेकिन मम्मी जी, उन्होंने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया था, पहले जब
एक बार मैंने कहा था, लेकिन इस बार उनको मेरी बातें माननी ही होगी। आराम करो मम्मी, कल से घर पर खाना बनाने वाली बाई आएगी। अंकिता परेशान हो जाती है। वाह, ये जोरू के गुलाम, अरे अभी से बहू की खिदमत में जुट गया। हमारे ज़माने में तो हम लोग पूरे पूरे महीने तक खाना पीना बनाते थे और मुंह से उफ तक नहीं कर सकते थे, और नौकरानी के हाथ का बना ठंडा खाना खाएगा कौन, तुम्हारे पापा तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी, मुझको तब की बातों से कोई लेना देना नहीं, आप लोग उसकी कोई मदद करेंगे नहीं। चलिए आप ना कीजिए, लेकिन गरिमा तो कर सकती है। अभी 4 दिनों बाद यह भी ससुराल जाएगी तो इसको कुछ सीखना चाहिए कि नहीं। बस हर टाइम टीवी का रिमोट ही हाथ में दिखाई पड़ता है। कल से खाना बनाने वाली बाई आएगी, बस मैं और कुछ नहीं जानता। और अगर आपको उसके यहाँ का खाना नहीं खाना है तो आप अपने लिए खुद बना लीजिए, या फिर गरिमा से कुछ अलग बनवा लीजिए, गौरव साफ साफ शब्दों में बोला। गौरव बिल्कुल सही कह रहा है। अगर बहू को कुछ दिक्कत है तो तुम लोगों का दायित्व है उसको संभालने का। हम लोग तो एक सुबह घर से निकल जाते हैं और शाम गए वापस आते, तो तुम ध्यान नहीं रखेगी बहू को तो कौन रखेगा। और हाँ, कल से खाना बनाने वाली बाई आएगी, वो ही सब संभालेगी। अगर तुम दोनों को कुछ शर्म लिहाज नहीं है, खाना गर्म भी नहीं कर सकती है, तो मैं ठंडा खाना भी खा लूँगा। रघुनाथ जी मिथिलेश के ऊपर गुस्सा करके बोले। अब तो मिथिलेश और गरिमा मन ही मन कुरकुरा कर रह गई, लेकिन रघुनाथ के आगे तो किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, और उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। या तो खुद रसोई संभालने या फिर खाने बनाने वाली बाई के हाथों का खाना खाएं। खुद मेहनत करने से तो अच्छा है कि खाना बनाने वाली ही लग जाए। और इधर अंदर कमरे में लेटी अंकिता यह सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। ऐसा नहीं है कि ससुराल में बहू को कोई प्यार नहीं करता, कुछ लोग तो दिलो जान से भी ज़्यादा चाहते हैं, और फिर वो अपने पेट पर हाथ रखे रखे ही ममतत्व से भर कर मुस्कुरा पड़ी। और उसी समय फिर नन्हे फरिश्ते ने माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर फिर करवट बदल ली, और अंकिता ने उसको सहलाते हुए बड़े दुलार से कहा, नन्हे फरिश्ते, तुम्हारे दादाजी और पापा तो सचमुच बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।